पारिजात वास्तु की दृष्टि से बहुत ही शुभ प्लांट माना जाता है। इसके फूल जो है शिव जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय रहते हैं। सितंबर मंथ चल रहा है, इस मंथ में अगर आप पारिजात प्लांट में कुछ जरूरी काम कर लेंगे तो आपका पारिजात प्लांट अक्टूबर मंथ में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करने लगेगा और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होने लगेगी। पारिजात के पौधे में अगर 15 दिन में एक बार चाहे बारिश गिर रही हो या ना गिर रही हो, आप ये फर्टिलाइजर डाल देंगे तो अक्टूबर मंथ में आपका पारिजात प्लांट बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करने लगेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरा पारिजात का प्लांट है जो कि बहुत अच्छे से ग्रोथ भी कर रहा था, बहुत ज़्यादा इसमें ग्रोथ हो रही थी। बारिश बहुत ज़्यादा होने की वजह से नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा मिल रही थी, जिसकी वजह से इसमें ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से हो रही थी। उसके कारण से मैंने इसको जो है प्रून कर दिया था। मेरा जो प्लांट है लगभग 6 फुट के ऊपर ही हो गया था, जिसके कारण मुझे जो है काफ़ी ज़्यादा इसकी हाइट लग रही थी। टेरेस गार्डनिंग के हिसाब से ग्राउंड फ्लोर पर रहे तो कितनी भी हाइट हो जाए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन टेरेस गार्डनिंग करना है तो एक लिमिटेड स्पेस और एक लिमिटेड हाइट रहती है पौधों की, तभी प्लांट अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पारिजात का प्लांट है जिसको मैंने पिछले साल भी आपके साथ में शेयर किया था, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हुई थी। पारिजात एक शुभ प्लांट माना जाता है जो कि शिव जी को इसके फूल अर्पित किए जाते हैं। फ्लावर जो रहते हैं थोड़े से डिफरेंट शेड में रहते हैं, मतलब कि जो इसकी फ्लावर की मेन जो स्टेम रहती है वो ऑरेंज रहती है और फ्लावर वाइट कलर के रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस टाइम पर अगर प्रूनिंग नहीं की है, आपका प्लांट काफ़ी ज़्यादा हाइट ले चुका है, तो आप इस टाइम पर प्रूनिंग कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी फंगस वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं मैंने इसको इस तरीके से रैंडमली ही कट कर दिया था और यहाँ पर फंजीसाइड लगा दिया था। उसके बाद में नीचे से नई नई ब्रांच निकली, जब प्लांट को हाइट नहीं मिल पाई, मतलब कि उतना ज़्यादा न्यूट्रिशन ऊपर नहीं जा पाया, तो नीचे से जो है प्लांट बहुत अच्छे से ब्रांच निकालने लगा। तो मैं जो है अब अपने प्लांट की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने दूंगी और जो सूखी ब्रांचेस हैं जो हमने कट करी थी उनमें से कुछ ब्रांच सूख जाती हैं, तो अगर ऐसी कुछ ब्रांच हैं तो आप उनको जो है हटा दीजिए, जैसे कि मैं हटा रही हूँ, तो इस तरीके से कट कर देना है और इन ब्रांच को आपको हटा देना है जिनमें ग्रोथ नहीं हो रही है और जिनकी ब्रांच जो है सूख चुकी हैं, तो इनको आपको नहीं रखना है। दूसरा काम, यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे प्लांट में काफ़ी सारा बीट जर्मिनेट हुआ है। तो जब भी आप कोई फर्टिलाइजर देते हैं उसके पहले आप अपने पौधे को बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लें, जिससे कि जो भी खाद वगैरह आप अपने पौधे को दें पूरा पोषण आपके प्लांट को मिलना चाहिए इस तरीके से। और जो सूखी पत्तियां टहनियां हैं उनको भी हटा लें, नहीं तो इससे जो है अगर हम कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देते हैं तो फंगस लगने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब देख सकते हैं मैंने प्लांट के नीचे का सरफेस जो है पूरा ही क्लीन कर लिया है। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब भी हम फर्टिलाइजर देते हैं तो प्लांट में गुड़ाई करते हैं, लेकिन इस टाइम पर मैं गुड़ाई नहीं करूंगी क्योंकि मिट्टी में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा नमी है, इसलिए मुझे गुड़ाई नहीं करनी है। अगर आपकी मिट्टी थोड़ी सी ड्राई है तो आप गुड़ाई करके फर्टिलाइजर जरूर डालें। तो हमने सबसे पहला काम किया कि जो सूखी टहनियाँ वगैरह हैं उनको हटा लिया है और दूसरा काम जो है हमने जो है नीचे का सरफेस इसका क्लीन कर दिया है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे शंख की तरह आपको कीड़े मकोड़े दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो है बहुत ज़्यादा बारिश के कारण होते हैं। जैसे ही बारिश बंद हो जाएगी, धूप निकलने लगेगी, तो ये सब जो है हट जाएंगी, क्योंकि हम टाइम टाइम पर जो है पेस्टिसाइड वगैरह फंजीसाइड वगैरह यूज करेंगे तो ये बिल्कुल भी हमारे गमले की मिट्टी में दिखाई नहीं देंगे। अब बात आती है फर्टिलाइजर देने की। आपको अगर फर्टिलाइजर देना है सितंबर मंथ में, अगर आपने प्रूनिंग कर दी है, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने प्रूनिंग कर दी है, उसके बाद में न्यू ग्रोथ बहुत अच्छी से आ रही है, तो अब इसमें हम फर्टिलाइजर देंगे तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो रहते हैं वो हमको 2 से 3 बार तो जरूर ही देना पड़ता है। 3 बार से कम हम अगर फर्टिलाइजर देते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तो वो उतना अच्छा रिजल्ट हमको नहीं देते हैं। तो अभी जो है सितंबर की स्टार्टिंग है, अभी से अगर हम इसमें फर्टिलाइजर देना चालू करेंगे तो अक्टूबर स्टार्टिंग या अक्टूबर मिड में हमारा जो है पारिजात का प्लांट या हर सिंगार का प्लांट बहुत अच्छे से ब्लूम करने लगेगा। अब मैं तीसरी बात बताती हूँ, जब भी आप प्रूनिंग करें तो इसकी कटिंग आप अपने किसी भी गमले की मिट्टी में गड़ा दें, बहुत आसानी से पारिजात की कटिंग लग जाती है। या फिर आपके पास में प्लांट नहीं है तो आप नर्सरी से परचेज करके ले आएं, बहुत ही अच्छा शुभ प्लांट रहता है। इस टाइम पर अगर आप रिपोर्टिंग करेंगे तो पारिजात आपका बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करेगा। अब यदि आप चाहते हैं कि आप पारिजात के प्लांट को बहुत ज़्यादा घना बनाना चाहते हैं, तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ से ग्रोथ हो रही है, ये बारिश के कारण थोड़े से डैमेज हो गए न्यू ग्रोथ, तो अगर ग्रोथ हो रही है तो इसके 4 पत्ती के नीचे से आप इसको पिंचिंग कर दें। पिंचिंग जितना ही करेंगे प्लांट आपका उतना ही अच्छा बुशी बनता जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स,
हम देते हैं इसमें फर्टिलाइजर। कौन सा फर्टिलाइजर मैं देने वाली हूँ वो आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पर मेरे हाथ में आप ये जो देख रहे हैं कंटेनर में, ये वही फर्टिलाइजर है जिसको मैं अपने पौधों पर आज दूंगी, जो कि पारिजात का प्लांट है, हरसिंगार का प्लांट, उसमें इसको दूंगी तो मेरे प्लांट में जो है अक्टूबर मंथ में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस फर्टिलाइजर को मैंने बनाया किस तरीके से वो बताती हूँ। फर्टिलाइजर बनाने के लिए सबसे पहले हमको कोई भी जार वगैरह ले लेना है, कोई भी कंटेनर ले लेना है। उसके बाद में आप मेरे हाथ में देख रहे हैं स्पून में, ये आपको पाउडर दिखाई दे रहा है। ये पाउडर बहुत ही अच्छा मैजिकल फर्टिलाइजर है जो कि ऑर्गेनिक बेस में है। अगर इस फर्टिलाइजर को आप अपने पौधे में देते हैं तो पौधे में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होने लगती है। तो ये जो फर्टिलाइजर है इसको हम डालेंगे और मैं बताती हूँ कौन सा फर्टिलाइजर है ये। उसके पहले बता दूं कि जब भी हम किसी भी प्लांट में फर्टिलाइजर डालते हैं तो फ्लावरिंग के लिए ही फर्टिलाइजर अधिकतर डालते हैं, स्पेशली रेनी सीजन में। रेनी सीजन में आप देख सकते हैं मेरे प्लांट में जो है पारिजात के प्लांट में बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है। तो हमको इसको ग्रोथ के लिए कोई भी फर्टिलाइजर नहीं देना है, क्योंकि जो नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर रहता है वो बारिश के पानी में मौजूद होता है, जिसकी वजह से प्लांट हमारा बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो फर्टिलाइजर है स्पून में, जो मैंने एक स्पून इसमें डाला है, ये है पोटेशियम युक्त फर्टिलाइजर, जिसको बोलते हैं बनाना पील का फर्टिलाइजर। रॉ बनाना पील है, मतलब कि सूखे हुए बनाने के छिलकों को जो है पाउडर फॉर्म में करके मैंने ये फर्टिलाइजर बनाकर कंटेनर में भरकर रखा हुआ है, जिससे कि जब भी जरूरत पड़े तो हम इस फर्टिलाइजर को अपने पौधे पर अप्लाई कर सकते हैं। अब एक प्लांट के लिए दे रहे हैं, जबकि जो कि 10 इंच का मेरा गमला है, तो एक प्लांट में एक टेबल स्पून काफ़ी ज़्यादा है, इससे ज़्यादा हमको नहीं लेना है। अगर ज़्यादा भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। अगर आप सूखे हुए ऐसे ही बनाना के छिलके देना चाहते हैं या गीले बनाना के छिलके देना चाहते हैं तो अभी अवॉइड करें, क्योंकि रेनी सीजन चल रहा है, इससे जो है कीड़े मकोड़े काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। अब जो दूसरा फर्टिलाइजर वो है ये जो है, ये छोटा सा जो टुकड़ा है ये हमारे पौधे में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग के साथ साथ में पौधे के जितने भी न्यूट्रिशंस हैं उनको बैलेंस करता है, सभी प्रकार की पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है। इसको बोलते हैं मस्टर्ड केक, सरसों की खली। इसका हमको इतना ही बड़ा पीस लेना है, इससे थोड़ा सा बड़ा रहे या छोटा रहे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसको ऐसे थोड़े टुकड़े करके और इसको हमको इसमें डाल देना है। तो दो चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं। अब जो ये तीसरी चीज़ है ये है जो कि फंजीसाइड का काम करती है, जो है हल्दी का पाउडर। इसको भी हमको लेना है, क्योंकि रेनी सीजन में अगर हम कोई भी फर्टिलाइजर डालते हैं तो या तो आपके पास में साफ का फंजीसाइड या कोई भी फंजीसाइड हो, सिस्टोमेटिक फंजीसाइड, या फिर नहीं है तो आप इस तरीके से ऑर्गेनिक बेस में जो है हल्दी का पाउडर या दालचीनी का पाउडर डाल सकते हैं। इसकी भी मात्रा कम ज़्यादा हो जाएगी तब भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। उसके बाद में ये लास्ट चीज़ जो है ये भी हमको अपने पौधे की जो फर्टिलाइजर बना रहे हैं उसमें डालना है, लेकिन जब हम प्लांट में ये फर्टिलाइजर देने लगेंगे उस टाइम पर इस फर्टिलाइजर को डालेंगे और मैं तभी बताऊंगी कि ये कौन सा फर्टिलाइजर है। लेकिन ये समझ लीजिए कि जब इस फर्टिलाइजर को आप इन सब फर्टिलाइजर के साथ में मिला देंगे तो ये जो फर्टिलाइजर है इनकी ताकत जो है 4 गुना बढ़ जाएगी। इतना करने के बाद में हमको इसमें नॉर्मल जो है हमारा टैंक का वाटर डाल देना है। अब इसको आप चाहें तो एक नाइट के लिए या 2 नाइट के लिए भिगो के रख सकते हैं। रेनी सीजन चल रहा है इसलिए 2 नाइट के लिए आप ना भिगोएं, 1 नाइट के लिए भिगोएं, जैसे कि आज सुबह भिगोएं तो कल सुबह जो है अपने पौधे पर अप्लाई करें। तो इसको कुछ नहीं करना है, बस ढककर रख देना है। दूसरे दिन मॉर्निंग में आप जो है देखेंगे तो फर्टिलाइजर इस तरीके से बनकर रेडी हो जाएगा। अब ये फर्टिलाइजर हमारे देने योग्य हो गया है पौधे की मिट्टी में। ये फर्टिलाइजर कब कब देना है, कब नहीं देना है, कितनी क्वांटिटी में देना है, तो इस चीज़ को मैं आगे आपके साथ में शेयर करूंगी। तो सबसे पहले इस फर्टिलाइजर को हम किसी भी दूसरे बाउल वगैरह में निकाल लेते हैं। आप चाहें तो छन्नी की मदद से छान सकते हैं, लेकिन जितने भी हमने पाउडर फॉर्म में दिए थे वो सब नीचे ही दब जाएंगे। हम बस ओनली इतना ही फर्टिलाइजर देंगे और देख सकते हैं और जो जितना भी फर्टिलाइजर है वो इसके अंदर जमा हुआ है। तो अब इसको हम ऐसा ही रख देंगे और यदि आप किसी और प्लांट के लिए, किसी फ्लावरिंग प्लांट के लिए बनाना चाहते हैं तो आप इसमें जो है पानी मिलाकर फिर से रख सकते हैं। तो जो है उतना असरकारक नहीं रहेगा, 50% असर करेगा, जैसे कि हमने पहले बनाया है वो 100% जो है असर करेगा, ये 50% ही असर करेगा। अब जो ये हमारा फर्टिलाइजर बनकर रेडी हुआ है, अगर रेनी सीजन नहीं होता तो इसको हम जो है डाइल्यूट करते, लेकिन अभी रेनी सीजन चल रहा है, बारिश के पानी के साथ साथ सभी फर्टिलाइजर जो है बह जाते हैं, तो इसलिए जो है हम इसमें कोई भी जो पानी वगैरह
डाइल्यूट नहीं करेंगे, मिक्स नहीं करेंगे। लेकिन मैंने आपके साथ में शेयर किया था कि जब हम फर्टिलाइजर देने लगेंगे तो उस टाइम पर मैं जो है इसमें ये वाला फर्टिलाइजर मिक्स करूंगी। तो ये कौन सा पाउडर है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये अधिकतर गार्डनर्स अपने गार्डन में यूज करते हैं, इसको बोलते हैं जाइम फर्टिलाइजर। जाइम है ये, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आपको लोकल शॉप पे भी मिलेगा और जो है ऑनलाइन शॉप पे भी बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो मैं लोकल ही लेती हूँ, इसलिए मुझे ऑनलाइन का लिंक वगैरह नहीं रहता है। कुछ फ्रेंड्स लोग बोलते हैं कि लिंक दे दीजिए, तो लिंक मेरे पास नहीं रहता है। आप अमेजोन पे देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से जाइम फर्टिलाइजर मिल जाएगा। तो इसको मैंने, ये जो ग्रेन्यूल्स हैं, ग्रेन्यूल्स गलने में टाइम लगते हैं, मतलब कि घुलनशील होने में टाइम लगते हैं, इसलिए मैंने इसको जो है इस तरीके से पाउडर फॉर्म में कर लिया है। तो एक टेबल स्पून से कम ही है, इसको हम इसमें मिला देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो बहुत सारे लोगों को जाइम फर्टिलाइजर नहीं पता चलता है, जैसे कि सीबिड रहता है उसी तरीके से जाइम फर्टिलाइजर भी रहता है। अगर आपके पास में जाइम नहीं है तो आप जो है सीबिड का भी यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर देखेंगे तो मेरा 10 इंच का गमला है, 10 इंच के गमले के हिसाब से मैं लगभग इसमें 1.5 गिलास के करीब फर्टिलाइजर जो हमारा लिक्विड वाला है उसको दूंगी। तो मैंने इसको 1.5 गिलास फर्टिलाइजर ही निकाला था, तो ये 1.5 गिलास फर्टिलाइजर है। अब हमको कुछ नहीं करना है, बस इसको सेम ऐसे ही हमारे गमले की मिट्टी में दे देना है, कोई गुड़ाई नहीं करनी है। और जो नीचे थोड़ा सा जाइम फर्टिलाइजर आपको लगे कि नीचे दबा हुआ है, तो आप इस तरीके से थोड़ा सा करके और इस तरीके से फर्टिलाइजर दे दें। उसके बाद भी आपको थोड़ा बहुत दिखाई देगा, तो एकदम थोड़ा सा पानी डालें और इस फर्टिलाइजर को ऐसे डाल दें। अब बात आती है कि ये फर्टिलाइजर हमको कितनी बार डालना है। तो महीने में आपको 2 बार तो ये फर्टिलाइजर जरूर ही डालना है, अगर आप पानी मिक्स नहीं कर रहे हैं तो। अगर आपके यहाँ पर लगातार धूप निकल रही है तो अगर आप पानी मिक्स कर रहे हैं तो, जैसे 1 गिलास फर्टिलाइजर है तो आप 2 गिलास पानी मिक्स करिए और इसको जो है 3 बार, मंथली 3 बार अपने पौधों पर अप्लाई करिए। अगर धूप निकल रही है आपके यहाँ पर तो इसको कितनी बार, मतलब किस टाइम पर आपको इसको डालना है, तो आप जो है या तो अर्ली मॉर्निंग डाल दें या तो जो है इवनिंग के टाइम पे आप बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि जो बनाना पील का फर्टिलाइजर है इससे जो है पौधे में बारिश के टाइम पे अगर बारिश हो जाएगी तो फंगस लगने के चांस रहेंगे। तो धूप रहेगी, धूप में भी आप डाल सकते हैं, या जो है आप अर्ली मॉर्निंग डालें तो सबसे बेस्ट रहेगा। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा कि बारिश के सीजन में फंगस लग जाएगा हम अगर इस तरीके का लिक्विड फर्टिलाइजर अपने पौधे में बनाकर डालेंगे, तो बिल्कुल भी फंगस नहीं लगेगा। आपके पास में जो भी फंजीसाइड हो उसको मिक्स करके डालिए, बिल्कुल भी फंगस इसमें नहीं लगेगा। या आपको फंगस से डर लग रहा है तो आप जिस तरीके से मैंने लिक्विड बनाया है उस तरीके से आप जो है सॉलिड फॉर्म में गमले की मिट्टी में ये फर्टिलाइजर दे सकते हैं। तो जिस तरीके से मैंने फर्टिलाइजर बनाकर दिया है, अगर आप देना चाहते हैं, लिक्विड फर्टिलाइजर जो रहते हैं हमारे पौधों में बहुत जल्दी से रिस्पॉन्स देते हैं, और हमारे यहाँ पर आज धूप निकली हुई है इसलिए मैंने ये फर्टिलाइजर देना उचित समझा है। फर्टिलाइजर हमको उतना ही देना है कि नीचे ड्रेनेज से नहीं निकलना चाहिए, इसलिए मैंने इसकी गुड़ाई नहीं करी है, इसीलिए मैंने जो है इसमें इस तरीके से जो है लिक्विड फर्टिलाइजर दिया है बगैर डाइल्यूट किए। सबसे मेन बात, आप अभी इस टाइम पर अपने पारिजात के प्लांट में कितना भी फर्टिलाइजर दे दें, लेकिन लास्ट सितंबर अक्टूबर के पहले ये जो है फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो इसलिए ज़्यादा आप इसमें कुछ भी ज़्यादा जोर ना दें और आराम से अपने पौधे में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज करें, पौधे आपके हेल्दी ग्रोथ भी करेंगे और फ्लावरिंग भी उनमें बहुत अच्छे से हेल्दी होगी। तो जिस तरीके से मैंने 4 चीज़ों को मिलाकर अपने पारिजात के प्लांट के लिए फर्टिलाइजर बनाकर उसको दिया है, उस तरीके से आप भी अपने पौधे या पारिजात के प्लांट में फर्टिलाइजर दे सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।